चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए और एक एक्साइटिंग वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आप लोगों के डिमांड के वजह से आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। सैमसंग गैलेक्सी A52 5G इंडिया में कब आएगा और किस प्राइस में आएगा, स्पेसिफिकेशन तो आप सभी लोगों को पता है। A52 4G का जो स्पेसिफिकेशन है, लगभग 90% स्पेसिफिकेशन A52 5G में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में कब लॉन्च होगा। A52 5G ग्लोबली 4 महीने पहले लॉन्च हो गया था और इंडिया में A52 4G सेम 4 महीने पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था और उसके ठीक 1 महीने के बाद सैमसंग इंडिया ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि बहुत जल्द हम लोग A52 5G वेरिएंट भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं किया। मुझे पता नहीं, बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स आ रहा था कि चिपसेट शॉर्टेज के वजह से अभी तक फोन लॉन्च नहीं किया जा रहा है। और जो 4G वेरिएंट है वो भी दोस्तों, जब अनाउंस किया 5G वेरिएंट आएगा उसके ठीक 2 हफ्ते के बाद जो स्टॉक है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है। अभी तक Amazon या Flipkart में अवेलेबल नहीं है। मैं बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर में भी विजिट किया हूँ और वहाँ पे भी बहुत सारे स्टोर वाला बता रहा है कि नहीं है, स्टॉक नहीं है, अभी रिलीज नहीं हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। तो कुछ तो नहीं हो रहा है, मतलब ऑफलाइन में भी नहीं है और ऑनलाइन में भी A52 4G वेरिएंट नहीं मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च किया हूँ इंटरनेट में और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इसका लॉन्च डेट बता रहा हूँ। दोस्तों बड़े बड़े साइट इंडिया का जो वेबसाइट है, टेक वेबसाइट जैसे कि माई स्मार्ट प्राइस, वहाँ पे कल अपडेट किया गया है, मतलब 20 जुलाई को अपडेट किया गया है कि 25 जुलाई को इंडिया में A52 5G लॉन्च होगा। मुझे अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन वो सारे साइट बता रहा है कि 25 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होगा। और प्राइस बाबा बोल के एक बड़े वेबसाइट है तो उन्होंने भी बोला है कि 25 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होगा। 3-4 बड़े बड़े टेक वेबसाइट उन्होंने बताया है कि 25 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होगा। मैं बहुत सारे बड़े बड़े ऑफलाइन स्टोर भी विजिट किया हूँ, उन्होंने बोला है कि इस महीने इस फोन लॉन्च होना बहुत मुश्किल है, अगस्त के 15 तारीख के अंदर लॉन्च हो सकता है, मतलब सेकेंड वीक के अंदर लॉन्च हो जाएगा, ऐसा ऑफलाइन स्टोर वाले जो है उन्होंने बता रहा है। तो अभी तक जो इंडियन लॉन्च डेट है वो अभी तक कंफर्म्ड नहीं हुआ है। मुझे लगता है आपको अगस्त तक वेट करना पड़ेगा, 30 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही दोस्तों आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब ये फोन लॉन्च हो जाएगा। अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि एक साइड में अलग डेट है और दूसरे साइड में और अलग डेट बता रहा है। तो अभी तक जब तक ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं होता है तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, ऐसे भी लीक्स एंड रूमर्स आ रहा है। और मुझे भी लगता है कि अगस्त के लास्ट तक ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अभी चलिए जान लेते हैं 4G से 5G में क्या क्या चेंजेस होगा। सबसे पहला जो चीज 5G होगा, दूसरा जो चेंजेस होगा प्रोसेसर में, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट मिलेगा जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। तीसरा जो चेंजेस होगा इसके डिस्प्ले में, एमोलेड डिस्प्ले तो मिलेगा, सुपर एमोलेड, लेकिन उसके साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है। और चौथा जो चेंजेस होगा इसके चार्जर में, 25 वाट का चार्जर आउट ऑफ बॉक्स दिया जाएगा। A52 4G में 15 वाट का चार्जर दिया गया था आउट ऑफ बॉक्स, लेकिन यहाँ पे 25 वाट का चार्जर दिया जाएगा और ये काफी अच्छी बात है। और इसके अलावा सब कुछ सेम है, IP67 रेटिंग है, काफी अच्छी बात है, अगर वाटर में गिर जाए तो आपके फोन में कुछ होगा नहीं। और कैमरा भी सेम है, बैटरी वगैरह सब कुछ सेम है, डिजाइन भी बिल्कुल सेम है। चलिए प्राइस के पास देखते हैं, प्राइस में भी बहुत कंफ्यूज है। मैंने जैसे कि बोला बड़े बड़े साइट मैंने चेक किया, वहां पे बताया जा रहा है कि 36-35 के आसपास ये फोन आएगा। मुझे नहीं लगता इस प्राइस के आसपास आएगा। और मैं जैसे कि बोला ऑफलाइन स्टोर विजिट किया था, बहुत सारे, 5-6 ऑफलाइन स्टोर मैंने विजिट किया था जहां पे सैमसंग का फोन सप्लाई देता है, तो उन्होंने बोला है 30,000 रुपीज के अंदर आ जाएगा, चाहे उसका प्राइस 29,999 क्यों ना हो, 30,000 के नीचे आएगा। और मुझे भी यही लगता है, जो बेस वेरियंट 6GB 128GB वो 30,000 रुपीज के अंदर आ जाएगा। और बहुत सारे कार्ड वगैरह का ऑफर वगैरह भी रहेगा, उसके साथ 2,000 या 1,000 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में ऑफर चलता रहता है सैमसंग के फोन में। तो यही था बताना, अभी तक इंडियन लॉन्च डेट कंफर्म्ड नहीं है। जो सारे भाई लोग बता रहे हैं कि कंफर्म्ड लॉन्च डेट कंफर्म्ड हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफिशियली अभी तक कंफर्म्ड नहीं हुआ है। अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो नहीं हो रहा है दोस्तों, तो डेट वगैरह देख लेना वीडियो का। ये था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर भी करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मजा आते रहो।